AIMIM में अकोला जिले में अपना दबदबा बनाते हुए पंचायत समिति उपचुनाव में पारस के उम्मीदवार अमजद हुसैन ने 1702 वोट लेकर कांटे की टक्कर में शिवसेना के योगेश हरिभाऊ रौंदले को 322 वोटों से करारी शिकस्त दी। रौंदले ने 1380 वोट प्राप्त किए। आपको बता दें कि AIMIM के अकोला जिला प्रभारी डॉक्टर रहमान और जिला अध्यक्ष जमील खान के नेतृत्व में MIM के बालापुर के चुनाव प्रभारी फजल अंसारी के सहयोग से यह सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें MIM के चाहने वालों ने अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक दी थी, जिसकी वजह से अकोला जिले के गाँव में अपने वजूद को MIM ने कायम किया। साथ ही आगामी महानगर पालिका चुनाव के लिए भी MIM ने इस जीत के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जिससे विरोधी पार्टियों के पसीने छूटते नजर आ रहे हैं। MIM को हल्के में लेने वाले अब दोबारा से चुनावी तैयारी की समीक्षा में लग गए हैं। जीत के बाद MIM के चाहने वालों ने जीत का जश्न मनाया और ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ जीत की रैली निकाली। कीमती वक्त दिया और संगठन की बारीक से बारीक चीजों पे काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस ने यहाँ बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। आज जिले में हमने तीनों पंचायत समितियों पे हमारा दो पंचायत समिति पे हमने झंडा नहीं गाड़ा, लेकिन हमने कम से कम हमारे मुसलमान भाइयों की ताकत और अवाम की ताकत यहाँ मजलिस ने बता दी। आने वाले वक्त में ये लोगों के लिए खुला चैलेंज है कि मजलिस पूरे ताकत के साथ नगर पालिका के चुनाव भी लड़ेंगी और इंशाल्लाह अवाम ने साथ दिया तो कामयाब भी होंगी। AIM से इसमें हमारे सब मजलिस के तमाम पदाधिकारियों की, अकोला जिला के लोगों की, बालापुर तालुके के सब पदाधिकारियों का और यहाँ के पारस के तमाम जितने वोटर्स है उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ इन्होंने मुझे ताउन किया है और मुझे यहाँ पर चुनकर आया है, इसलिए मैं इनका तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।